उदाहरण 19, केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण पीटीक्यू बराबर 2 गुणा कोण ओपीक्यू है। हल, माना कोण पीटीक्यू बराबर थीटा, हमने इसे मान लिया थीटा। अब हम यह कह सकते हैं कि दी गई आकृति में पीटी बराबर टीक्यू है। हमने प्रमेय का प्रयोग किया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हमारा जो यहाँ बाह्य बिंदु जो है टी है और स्पर्श रेखा जो है टी पी और टी क्यू है, जो कि बराबर होंगी। इसीलिए हमने प्रमेय से यह ज्ञात किया कि पी टी और टी क्यू बराबर है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अतः त्रिभुज टी पी क्यू एक समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण टी पी क्यू धन कोण टी क्यू पी बराबर 180 अंश ऋण थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यहाँ पे हमने त्रिभुज के दो भुजाओं का योग बराबर 180 अंश ऋण त्रिभुज की तीसरी भुजा लिखा है, तीसरा त्रिभुज की का तीसरा कोण लिखा है। इसीलिए कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी बराबर 1/2 180 अंश ऋण थीटा। यहाँ पे कोण टी पी क्यू और कोण टी क्यू पी दोनों बराबर है, समबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे, इसीलिए इसमें 180 अंश ऋण थीटा को हमने आधा कर दिया है कोण टी पी क्यू के लिए या बराबर कोण टी क्यू पी के लिए। अब हम ये कह सकते हैं कि कोण टी पी क्यू का जो मान है उसको हम लिख सकते हैं, कोष्ठक खोलेंगे तो 180/2 बराबर 90 अंश ऋण 1/2 थीटा। यहाँ पे हमने कोण टी पी क्यू का मान 90 अंश ऋण 1/2 थीटा ज्ञात किया। चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, इसीलिए कोण ओ पी टी बराबर 90 अंश है। हमने यहाँ पे प्रमेय का प्रयोग किया है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। तो यहाँ पे हमने कोण ओपीटी को 90 अंश बताया। इस तरह से हम देखते हैं कि कोण ओपीक्यू बराबर कोण ओपीटी ऋण कोण टीपीक्यू। हमने यहाँ पे ओ पी जो क्यू है, जो हमारा कोण जो छोटा कोण है उसको हमने कोण ओ पी टी पूर्ण कोण में से
कोण टी पी क्यू को घटाया जो कि कोण ओ पी क्यू के बराबर होगा। अब हम ओ पी टी कोण ओ पी टी का मान हमने 90 अंश लिखा है ज्ञात किया है, तो ये 90 अंश लिखे हमने। और ऋण उसी तरह से टी पी क्यू का हमने मान हमने 90 अंश ऋण 1/2 थीटा है, इसे हम कोष्टक में लिख लेते हैं 90 अंश ऋण 1/2 थीटा। कोष्टक को खोलेंगे तो 90 अंश ऋण 90 अंश जो कि शून्य हो जाएगा, और ऋण ऋण एक को ऋण 1/2 थीटा से गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, धन 1/2 थीटा। इस तरह से हम ने ज्ञात किया कि 1/2 थीटा का मान जो है वो कोण ओ टी थीटा बराबर हमने कोण ओ टी क्यू माना है, कोण थीटा का मान हमने कोण पी टी क्यू माना है, तो थीटा के स्थान पे हम कोण पी टी क्यू रख लेते हैं, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 1/2 कोण पी टी क्यू। अतः जब हम यहाँ पे ये दो का तिर्यक गुणा करेंगे इस पर, यहाँ पे हमने कोण ओ पी क्यू बराबर 1/2 कोण पी टी क्यू किया है, तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा कोण पी टी क्यू बराबर 2 × कोण ओ पी क्यू। यही हमें सिद्ध करना था, यह सिद्ध हुआ। इस तरह से यह इस उदाहरण का हल होगा।